आज हम लोग शुरू करते हैं वाइड एग्रीमेंट्स, शून्य करार। ठीक है, वाइड एग्रीमेंट्स मैं सोच रहा हूं लिखाने की जरूरत नहीं है कहां से कहां है। आप ये जान लीजिए कि वाइड एग्रीमेंट्स जो है आपके स्पष्ट रूप से 24 से 29 में दिए गए हैं और एक 56 भी है। ठीक है, सॉरी 24 से 30 है यार, बोल दिया करो, 24 से 30 और 56। अब इन सबको मैं यहां लिखूं, शून्य करार जो है वाइड एग्रीमेंट्स आर गिवन अंडर सेक्शंस 24 टू 30 एंड एडिशनल 156। तो हम इनको आप सबको लिखे कि कौन कौन से हैं, इससे बढ़िया कि हम शुरू करते हैं। आज हम 24, 25, 26 कोशिश करेंगे कि पूरी हो जाए और उसके बाद देखते हैं क्या होगा। 24 में क्या कहा गया है मैं आपको पहले बुक से पढ़ देता हूं फिर उसको समझाता हूं। बेयर प्रोविजन, बेयर क्या कहता है 24, यदि प्रतिफल और उद्देश्य भागतः विधि विरुद्ध हो तो करार शून्य होंगे। क्या कह रहा है, एग्रीमेंट्स वॉयड इफ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स अनलॉफुल इन पार्ट। तो इस चीज को जरूर आपको लिखना है, क्या है इसमें 24 कह रहा है कि ऑब्जेक्ट्स एंड कंसिडरेशंस आर अनलॉफुल, आर अनलॉफुल इन पार्ट। तो क्या होगा, तो ये होगा कि ये एग्रीमेंट जो होगा, अगर किसी एग्रीमेंट का उद्देश्य जो ऑब्जेक्ट होता है, जो कंसिडरेशन उसमें मिलता है, जो हम याद होगा धारा 23 में पढ़ चुके कि किनके उद्देश्य और कंसिडरेशन जब कब अनलॉफुल होंगे। तो अगर ऐसी कोई स्थिति होती है कि ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ऑब्जेक्ट दो तीन है, एक ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, तीन ऑब्जेक्ट है, या इसमें कंसिडरेशन ऐसे ही है, तीन चार कंसिडरेशन हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, इनका कोई भाग, देखिए ऑब्जेक्ट के कई भाग हो गए, अगर इनमें से कोई भी अनलॉफुल हुआ, ठीक है, तो पूरा एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। कोई कंसिडरेशन का एक पार्ट अनलॉफुल हुआ, पार्ट का पार्ट अनलॉफुल हुआ, तो भी वॉइड एग्रीमेंट में आएगा। कहेंगे कैसे, तो एक पहला जो इलस्ट्रेशन दिया गया है जरा उसको पढ़िए। ए प्रोमिसेस टू सुप्रिंटेंडेंट ऑन बिहाफ ऑफ बी। ए जो है ये बी है, बी सुपरवाइज करेंगे या सुप्रिंटेंड करेंगे किस चीज को, बी के दो बिजनेस हैं, बी के दो बिजनेस हैं, एक लीगल है, वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, चूंकि अंग्रेजों के जमाने में नील की खेती होती थी ना, खान सर का कोई वीडियो देखेगा तो उसमें पता चलेगा नील का है, ये उगाते थे, मैंने तो नहीं पढ़ देखा कभी, वो जरूर बनाए होंगे। तो नील की खेती वॉज लीगल जॉब, दूसरा क्या था, दूसरा ये जो काम करते थे इलीगल ट्रैफिकिंग की, ठीक है, अवैध दुर्व्यापार, इलीगल है, इलीगल अगर लिखा ही है तो ठीक है। अब देखिए
और इसके लिए सुपरवाइज करते इन दोनों कामों को, ठीक है। और इसके लिए पा क्या रहे थे, 10,000 रुपीज पर मंथ। समझिए इन दोनों को कि अगर ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन, यहां पे क्या हो, 10,000 रुपए इनके लिए कंसिडरेशन हुए ना, और इनके लिए क्या हुआ, इसका देखभाल। देखभाल में एक पार्ट, और इसी 10,000 में, इसी 10,000 में दोनों काम इनको करना था, दोनों काम करना था। तो क्या लीगल इनको माना जाएगा कि आप सही काम कर रहे थे? आप एग्रीमेंट के लिए जब जाएंगे तो ये कहेगा कि 6,000 रुपए तुम ले लो, 4,000 नहीं देंगे, क्योंकि जो हमारा इलीगल ट्रैफिकिंग वाला काम था इसमें तुमने लापरवाही करी है। तो क्या ये कोर्ट जा सकते हैं? यहां पे समझने की बात ये है कि जो इन्होंने एग्रीमेंट किया है, अगर उसमें ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन का कोई पार्ट इलीगल है, तो क्या जिसने जो उसमें शामिल हुआ या जो पीड़ित पक्षकार है वो न्यायालय में अपने अधिकारों को इन्फोर्स कराने की मांग करने के लिए जा सकता है क्या? क्या ये कहेगा कि मैंने ये दो काम कहे थे करने को और 10,000 मुझे मिलना था, मिला 6,000, तो क्या ये कहेगा 4,000 रुपए और दिला दो, जो दूसरा काम मैंने इलीगल ट्रैफिकिंग का किया है? हो सकता है बेवकूफी में कह भी जाए, तो न्यायालय उसको इन्फोर्स कराने से रही, वो कहेगी तुम्हारा पूरा ये जो एग्रीमेंट है वो वायड है। इसी तरह से एक इसमें अगर आप यहां पर समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा था, जो ये धारा कह रही, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं इसको यहां इरेज करता हूं, यहां वाला ये, अब थोड़ा एक उदाहरण और लेते हैं, प्रॉमिसरी नोट बोलते हैं ना, एक बार समझाया है। अगर ए बी को क्या करता है, 2,000 का प्रॉमिसरी नोट लिखता है, प्रोनोट, कि हाँ प्रोनोट माने एक बंधपत्र बॉन्ड टाइप, कि हाँ मैंने आपसे इतने पैसे लिए हैं और इस काम से लिए, काम के लिए लिए हैं, और मैं आपको इस समय पे वापस करूंगा। तो मान लीजिए 2,000 रुपए होते हैं जो बी ने ए को दिए होते हैं, ठीक है। इसके लिए ए एक प्रोनोट लिखता है, उसने कहा लिख दो मर मुरा जाओ तुम, तो तुम्हारे लीगल हायर्स जो है वो दे दें, जो उत्तराधिकारी है वो दे देंगे। तो इसने लिखा, और इसमें लिखा क्या कि इसमें 1,500 रुपए तो वो है जो शादी के लिए लिए थे, शादी इसकी बेटी की शादी के लिए लिए थे, और 500 रुपए जो है वो मैंने किस लिए लिए थे, कोई इलीगल काम मान लो, जैसे बुक में जो लिखा है वो प्रोस्टिट्यूशन का है, मैंने इसको प्रोस्टिट्यूशन के लिए लिए थे, या किसी की हत्या करने के लिए, चोरी करने के लिए, आप कुछ भी लिख सकते हो जो इलीगल है। देखिए अब क्या होगा, बी को अगर ये पैसा नहीं मिल पाता है तो कोर्ट जाएगा क्या इस प्रोनोट के आधार पर? जा सकता है। अब यहां पे एक आता है प्रिंसिपल ऑफ सेवरेबिलिटी, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, क्या हम चीजों को अलग अलग देख सकते हैं क्या, वो भी बताते हैं। तो अगर बी इस प्रोमिसरी नोट के इन्फोर्समेंट के लिए कोर्ट में जाएगा तो वहां पे उसको क्या कहा जाएगा, 2,000 के लिए उसको क्या अनुमति दे दी जाएगी क्या? नहीं, वो कहेगा ठीक है 1,500 रुपए के लिए तुम इन्फोर्स करा लो, लेकिन ये वाला जो है एग्रीमेंट ये शून्य होगा। अभी आप कहेंगे कि सर ने ऊपर बताया कि अगर पार्ट में कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट कुछ भी इलीगल है तो वो पूरा वायड हो जाएगा। अब यहीं पे ये रूल लागू, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, अब ये जो सिद्धांत है वो यहीं पे लगेगा, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, ठीक है। 24 को समझ लीजिए, देखने में बहुत छोटे हैं ये सब, थोड़ा समझ लेंगे तो ठीक रहेगा, वास्तव में छोटे हैं। हाँ जी सर, ऐसा मैंने पहले पढ़ा था कि वो जो पार्टली जो रहता है अनलॉफुल रहता है तो वो वहां तक वाइड हो जाता है, बाकी जो लीगल करता है वो वाइड नहीं। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, वही बताने जा रहा हूँ, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। मैंने बताया ना कि जहां तक वो लीगल होगा 1,500 रुपए कहेगा ठीक है, यू आर एंटाइटल टू गेट इट फ्रॉम दैट पर्सन,
लेकिन 500 रुपए आप नहीं ले पाओगे। तो मेरे ऊपर और नीचे वाली बात में कंट्राडिक्शन हुआ। अब वो क्यों हुआ, वही तो मैं बताने जा रहा हूं कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, पृथक्करणीयता माने अलग अलग जो किया जा सके। तो जो आप कह रहे हैं ऋतिक, वही बात मैं अभी कहने जा रहा हूं कि अगर ये एक केस में आया, इसको आप ये भी जानिएगा कि इस चीज को एक रूल के नाम से जानते हैं। मैंने कहां पढ़ा था, मैं कल ढूंढ रहा था, मुझे नहीं मिला, नहीं तो मैं और डिटेल में बताता। कभी कभी आप कोई चीज पढ़ लीजिए फिर भूल जाता है पढ़े कहां थे। ब्लू पेंसिल रूल, इसी सिद्धांत को आप कह सकते हैं जो इसमें ले डाउन किया गया है कॉन्सेप्ट, उसको ब्लू पेंसिल रूल भी कहते हैं। लिख लीजिएगा, मान लीजिए कभी कोई टकरा लीजिए, पूछ लीजिएगा ब्लू पेंसिल रूल क्या, नहीं बताएगा, ठीक है। तो ब्लू पेंसिल रूल इसी को कहते हैं कि अगर आपने कोई एग्रीमेंट किया है और उस एग्रीमेंट में जो आपका कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग किया जा सके, जैसे यहां पे 2000 का प्रोनोट था, 2000 का प्रोनोट था, अब इसको इसने क्या कहा था, मैंने 1500 रुपए शादी के लिए लिए थे और 500 रुपए प्रोस्टिट्यूशन के लिए लिए थे। यहां इस 2000 में 1500 अलग किया जा सकता है, 500 अलग किया जा सकता है। तो जो पार्ट गुड होगा, लीगल होगा, दैट कैन बी एक्सेप्टेड, और जो इलीगल होगा या बैड होगा वो वॉइड होगा। यही नैतिकार यही कह रहे हैं आप। हाँ, अब देखिए जो इलस्ट्रेशन है उसमें 10,000 रुपए में वो दो काम कर रहा है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडिगो जो है, इंडिगो का जो काम उनका चल रहा है उसको देखेगा, प्लस इलीगल जो है ट्रैफिकिंग जो है उसकी बात करेगा। तो अब इस 10,000 में बताइए क्या अलग किया जा सकता है कि कितना इंडिगो के लिए दिया जा रहा है या कितना ट्रैफिकिंग के लिए। मैंने बताया, मान लीजिए इसको 6,000 मिला, कहा गया चलो इंडिगो वाला काम हो गया, इसका नहीं देंगे, ये कोर्ट में जाएगा तो क्या कोर्ट इसको अलग कर पाएगा क्या कि 10,000 तुम्हारा किस किस काम में किस रेशियो में है। चूंकि कोई एग्रीमेंट में क्लियर कट नहीं लिखा गया है इसलिए इसमें कोर्ट जो है अलग नहीं कर पाएगा। तो अलग नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा, रूल जो 24 में दिया है उसके अनुसार पूरा का पूरा वाइड हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब ये जान लीजिए कि सेवरेबिलिटी का जो सिद्धांत था ये आपके किस केस में आया था, इसको देख लें, उसमें क्या कहा गया उसको देख लें, किसने कहा उसको देख लें। ठीक है, जरा ब्लू पेंसिल रूल कहीं अगर दिखेगा तो मुझे बता देना यार किस बुक में है, मैं भी भूल गया। पूरा का पूरा वाइट कर रहा है ना इसको। आप नोट देखिएगा, नोट देखिएगा, दिखा है नोट, अभी मैं उसी पे आ रहा हूं, उसको भी मैं बताऊंगा, रुके रहिए। कुछ चीजें क्या होती हैं कि जो आपके कानून लिख गए हैं उनके अलावा उनका इंटरप्रिटेशन जो होता है, उनका जो क्या होता है निर्वचन होता है, उनको जो विश्लेषण किया जाता है वो कहां का काम होता है, न्यायिक निर्णयों से आता है, न्यायालय का काम होता है या फिर और जो विधिवेत्ता है उनका काम होता है। तो अगर न्यायालय किसी मुद्दे पे उस चीज को एलिब्रेट करके भी कोई बात कह रही है तो वो भी कानून ही माना जाता है। ठीक है, तो ये जो था पिकरिंग वर्सेस, इसको मुझे बता लेने दीजिए फिर बात करते हैं। हाँ बोलिए, मैं केस बता रहा हूं, केस बता रहा हूं ना, वेट तो करिए, केस बता रहा हूं।
पिकरिंग, पिकरिंग वर्सेस इल्फ्राकॉम, आई डबल एल एफ आर ए सी ओ एम बी ई, इल्फ्राकॉम जो था, और इसमें जस्टिस विलिस, विल्स क्या बोलेंगे भगवान जाने, जस्टिस विलिस ने कहा, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा वेयर यू कैन नॉट सेव और, जहां आप अलग नहीं कर सकते, क्या द इलीगल पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कह लें या कोवेनेंट कह लें, यू कैन नॉट सेवर द इलीगल पार्ट ऑफ एन एग्रीमेंट कह लें, द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल टूगेदर वॉइड, जहां पे आप उसमें अवैध वाली चीज अलग नहीं कर सकते हैं, वहां पूर्ण प्रसंविदा जो है वो शून्य होगी, बट वेयर यू कैन सिवर दे, अलग अलग कर ले, क्या अलग कर ले, ये बड़ा पार्ट है, ये 10,000 रुपए है, 10,000 में अगर 5,000 लीगल है, लीगल पर्पज या लीगल ऑब्जेक्ट के लिए है, 5,000 इलीगल है, इफ यू कैन सिवर इट, अलग करना सकते, इफ अगर आप अलग कर सकते हैं तो क्या होगा, यू मे रिजेक्ट बैड वन, जो मैंने पहले बताया बैड वाला है इसको वाइल्ड कर दीजिए, और जो एंड यू कैन एक्सेप्ट द गुड वन, ठीक है, यू कैन रिटेन द गुड। तो ये बात जो अभी तक चल रही थी ये इस केस में कही गई थी, इसको लेके आप आगे चलेंगे, ठीक है, और एक केस आता है। अच्छा ये आप जान लीजिएगा कि 24 जो है ना, 57 और 58 से रिलेटेड है, उसके बारे में कह सकते हैं, उसको और ज्यादा कैसे इन्फोर्स किया जाएगा उसकी बात यहां पे की जा सकती है। 57 58 इज रिलेटेड टू 57 58 रिलेटेड टू 24, रखिएगा दिमाग में, अभी जो 57 पे आएंगे पता लग जाएगा क्या है। अब जो आप टिप्पणी की बात कर रहे हैं इसको आप यहां देख लें, इस केस में एलेक मेरी हिल, ठीक है, बुक में है ए एल आई सी ई, ठीक है, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं एम ए आर वाई हिल वर्सेस, बहुत अच्छा सा उदाहरण है, विलियम क्लार्क अच्छा सा उदाहरण है, आपको याद रहेगा, आप लिख सकते हैं अगर नाम याद रहे तो। एक लेडी होती है, ये मैरिड है, मैरिड लेडी जो है ये एक घर का जिसका मालिक ए है, जिसका मालिक ए है उस घर की देखभाल करती है, टेक केयर, मालिक उसके सामने, यहां ध्यान रखिएगा शी वॉज ऑलरेडी मैरिड, मालिक उसके सामने ये प्रस्ताव रखता है, एग्रीमेंट करता है कि आप मेरे घर की देखभाल करो, प्लस एडल्ट्री में भी वो उसके साथ रहे, उसके साथ उसके नाजायज जिसको कह सकते हैं जारता का संबंध, हिंदी में जारता है एडल्ट्री, जारता के संबंध में भी रहे, देखिए, और इन दोनों के बदले क्या मिलेगा, ए इनको 50 रुपए देने वाला है, घर की देखभाल करें उसके साथ भी रहे और उसके लिए 50 रुपए मिलने वाले हैं। अब क्या होगा, मान लो 50 रुपए उसने नहीं दिए, वास्तव में नहीं दिए थे, फिर वो लेडी जाती है कोर्ट में कि हमें इन्होंने 50 रुपए इन दो कामों के लिए दिया, कोर्ट क्या करेगी इस, मुझे बताइए, कोर्ट क्या वो जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी उसको लागू कर सकती है क्या, नहीं लागू कर सकती, कैसे अलग करेगी, 50 में किस चीज का तुम्हें मिला था और किस चीज का कितना मिला था, कैसे करेगी। तो ऐसे जो एग्रीमेंट्स है, तो ये जो एडल्ट्री है, एडल्ट्री अभी तो इंडिया में भी एडल्ट्री
अपराध ही था, ठीक है। और अभी तो कुछ डिसीजन वगैरह आए हैं कोर्ट वगैरह के, अभी आप लोग लॉ में आए हैं तो पढ़िएगा उसको, अच्छे से पढ़िएगा, तो उसमें चीजों को खत्म करने की बात की गई है न्यायिक निर्णयों के माध्यम से। जैसे मैं आपको बता रहा हूं आईपीसी में कुछ लिखा है, न्यायिक निर्णय कुछ आ रहा है, तो अब वो प्रिवेल करेगा, तो इसमें अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए ये ऑल टूगेदर वॉयड माना गया। मुझे नहीं लगता कि अब धारा 24 में कुछ आपको समस्या होनी चाहिए, अगर है तो बताएं, अगर नहीं है तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ने के चले अग्रसर हो आगे।